अस्सलाम वालेकुम, प्रॉपर्टी ड्राइव में हाज़िर हैं जनाब। ये जो मैं सीरीज़ शुरू करने लगा हूँ, इसके अंदर मैं 2017 के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ मालूमात शेयर करूँगा, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने किस किस्म का बिज़नेस करना चाहिए या जिसके कामयाब होने के चांसेस हैं। क्योंकि मैं काफ़ी यहाँ पे रहा हूँ और मुझे यहाँ पे घूम फिर के काफ़ी चीज़ों का आइडिया हुआ है, जो कि यहाँ बहुत सख्त ज़रूरत है जिन बिज़नेसेस की, तो उसके ऊपर मैं रोशनी डालूंगा। क्विकली मैं आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आप कौन कौन से कारोबार यहाँ शुरू कर सकते हैं। तो जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप 2017 को देखें तो इसके आस पास भी आपको कोई मनी चेंजर नज़र नहीं आएगा। करेंसी एक्सचेंज का कारोबार आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर पैसे भिजवाने हैं वेस्टर्न यूनियन के, तो वो भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त अपनी पेमेंट्स जो है वो इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में किसी न किसी जगह पे कर रहे हैं। बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं और यहाँ के रिहायशियों के अलावा आसपास जो इलाका बनता है D17 है, वहाँ पे भी कोई करेंसी के से रिलेटेड कोई भी काम नहीं हो रहा, मनी चेंजर कोई नहीं बैठा हुआ, ना ही अगर आप देखें तरनौल के आसपास कोई बैठा हुआ है। तो अगर आपको यहाँ से जाना पड़ता है तो वाह कैंट में सबसे अंदर मतलब जो मार्केट है उनका जो बाज़ार है वहाँ पे जाना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ता है। तो जो इसके आसपास का रेडियस है वो सारा इस मनी चेंजर के बिज़नेस से कवर हो सकता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा अगर आप लोग करेंसी एक्सचेंज मनी चेंज उस तरह का जो भी काम है इससे आप रिलेटेड आपने कोई बिज़नेस शुरू करना है तो 2017 एक अच्छी जगह है और इसके अंदर पोटेंशियल है कि आपको बहुत अच्छा इसमें आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह मिल सकती है। इसके अलावा आप लोगों को करना ये होगा कि जब अगर आप यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं लोकेशन वाइज, तो आप कोशिश करें कि बिल्कुल गेट के साथ स्टार्ट में लें, ताकि क्योंकि बाहर के सेक्टर वाले यानी कि D17 हो गया, आसपास के जितने मज़ाफाती इलाके टेक्सला और आपके वाकेंट से, ये लोग यहाँ पे आके आपसे अपने अमाउंट को चेंज करवा सकें, उनके लिए इजीली एक्सेस हो, उनको ज़्यादा दूर अंदर ना आना पड़े सोसाइटी में। तो जी, मनी चेंजर का कारोबार यकीनन एक मुनाफा बख्श कारोबार हो सकता है और अगर आप यहाँ पर आके इसको शुरू करते हैं तो ये बेहतरीन आपको आउटपुट भी देगा और इसका फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो जनाब, इस सीरीज़ के मैं अगले एपिसोड्स में आपको मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ का बताऊँगा, जिसमें एक ऐसा इन्वेस्टर जिसके पास कोई पैसा नहीं है उधर से लेके और जो बड़े पार्टियाँ हैं जिनके पास अच्छा इन्वेस्टमेंट है, उनके लिए मैं यहाँ पे सजेशंस लेके आऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस सीरीज़ की कोई भी वीडियो मिसिंग ना हो और टाइम पर मिलती रहे। बहुत शुक्रिया जनाब, अस्सलाम वालेकुम।